हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके लिए एकदम न्यू एप्लीकेशन लेकर आया हूँ। इस एप्लीकेशन से आप स्टार्टिंग पे 1000 से लेकर 30000 रुपये का यहाँ पे लोन ले सकते हैं और सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही आप इस लोन को अपने बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो आज मैं आपको पूरे 4000 रुपये का यहाँ पे जो लोन है तो लाइव प्रूफ ही आपको यहाँ पे अप्लाई करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो लोन है तो पूरे 4000 रुपये का मुझे यहाँ पे अप्लाई करना है। मुझे यहाँ पे जो टाइम मिलेगा पूरे 90 डेज का मुझे यहाँ पे टाइम मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे आपकी EMI भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट EMI आपकी 2610 रुपये बनेगी और सेकंड EMI 1933 रुपये और थर्ड EMI 1633 रुपये आपके यहाँ पे बनेगी। आपको जो टोटल रिपेमेंट करनी है 6177 रुपये की आपको टोटल रिपेमेंट यहाँ पे करनी है तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपका जो लोन यहाँ पे पूरे 4000 रुपये का, 4000 रुपये का मुझे यहाँ पे लोन अप्लाई कर रहे हैं तो 90 डेज का मुझे यहाँ पे टाइम मिलने वाला है। 6177 रुपये मुझे यहाँ पे करने हैं और 3 मंथ का मुझे यहाँ पे टाइम मिल चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस एप्लीकेशन का जो लोन है तो लाइव प्रूफ ही मैं आपको यहाँ पे अप्लाई करके दिखाऊंगा। तो नीचे की तरफ आपको प्रोमो कोड का ऑप्शन भी यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं अगर आपको इस फीस को यहाँ पे कम करवाना है तो आप इसकी फीस को कम भी कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास एक प्रोमो कोड यहाँ पे होना चाहिए। अगर आप प्रोमो कोड को यहाँ पे एंटर करते हैं इंस्टेंट आपकी यहाँ पे जो फीस है वो यहाँ पे काफ़ी यहाँ पे वेव हो जाएगी। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे लोन ले सकते हैं। अगर आपको लोन कम चाहिए तो कम भी ले सकते हैं, अगर आपको लोन ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा भी यहाँ पे ले सकते हैं। अगर आप इस लोन को 3000 रुपये के लोन को अप्लाई करते हैं तो भी आपको टाइम यहाँ पे 90 डेज का मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन पर अगर आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं आपको पूरा 3 मंथ का टाइम मिलेगा और 3 EMI आपके यहाँ पे बन जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो फर्स्ट EMI बनी है 1958 रुपये और सेकेंड EMI 1450 रुपये और थर्ड EMI 1225 रुपये। आपकी जो EMI स्टार्ट होगी तो स्टार्टिंग पे आपकी EMI थोड़ी बड़ी बनेगी और सेकंड EMI आपकी थोड़ी छोटी हो जाएगी और थर्ड EMI आपकी उससे छोटी यहाँ पे हो जाएगी। आपको जो टोटल रिपेमेंट करनी है तो 4633 रुपये आपको टोटल रिपेमेंट करनी है। आपके जो खाते में आएंगे पूरे 3000 रुपये आपके खाते में आ जाएंगे। आपको जो ब्याज लगेगा 1600 रुपये आपको ब्याज लगेगा और पूरा टाइम आपको 90 डेज का यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है। आपको अगर यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई करना है आपके पास एक पैन कार्ड साथ में आधार कार्ड यहाँ पे होना चाहिए और 5 मिनट के अंदर इस लोन को यहाँ पे अप्रूवल आप यहाँ पे करवा सकते हैं। तो आज मैं आपको इस एप्लीकेशन का जो लोन है तो कैसे आपको अप्लाई करना है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए आपको वीडियो को एकदम लास्ट तक यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो लोन का अमाउंट था तो 4000 रुपये का हमारे यहाँ पे लोन का अमाउंट है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं हमारे को जो प्रोसेसिंग प्लस GST लगी है 377 रुपये पे लगी है और इंटरेस्ट आपको 900 रुपये पे लग जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक और बात यहाँ पे देखने को मिलेगी, अगर आप इसकी 3 मंथ से पहले रिपेमेंट करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा फुल रिपेमेंट। अगर आप यहाँ पे फुल रिपेमेंट करते हैं इसकी तो यहाँ पे आपको जो टोटल रिपेमेंट करनी पड़ेगी 5277 रुपये आपकी टोटल रिपेमेंट करनी पड़ेगी। आपको 600 रुपये की फीस पे वेव हो जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं 4000 रुपये का लोन है और 4000 रुपये आपके खाते में आ जाएंगे और 90 डेज का आपको टाइम मिलेगा। टोटल रिपेमेंट अगर आप 3 मंथ से पहले इसकी रिपेमेंट करते हैं तो यहाँ पे आपको EMI के ऊपर रिपेमेंट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसकी फुल रिपेमेंट करते हैं तो आपको 5277 रुपये यहाँ पे करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था 6177 रुपये आपको पे करनी है। अगर आप इसकी फुल पेमेंट करते हैं तो यहाँ पे आपको जो इसकी पेमेंट है 600 रुपये की आपकी जो फीस है वो यहाँ पे वेव हो जाएगी। तो यहाँ पे काफ़ी कमाल की एप्लीकेशन है। कैसे आपको इस एप्लीकेशन पे लोन अप्लाई करना है तो सारी जानकारी मैं आपको इसी वीडियो में यहाँ पे देने वाला हूँ और उसके लिए आपको वीडियो का कोई भी पार्ट यहाँ पे स्किप नहीं करना। तो यहाँ पे 4000 रुपये का यहाँ पे लोन है। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे भी साफ साफ लिखा है कि 2610 रुपये आपकी EMI बन जाएगी और सेकंड EMI 1933 रुपये और थर्ड EMI 1633 रुपये। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है जो मुझे टोटल रिपेमेंट करनी है तो 6177 रुपये की मुझे टोटल रिपेमेंट यहाँ पे करनी है। अगर मैं पूरे 3 मंथ के लिए इस लोन को यहाँ पे लेता हूँ तो मुझे 6177 रुपये पेमेंट करनी है। अगर मैं इसको 1 मंथ के लिए पे करता हूँ तो मुझे 5200 कुछ रुपये पे पेमेंट करनी पड़ेगी। तो काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है। तो इस एप्लीकेशन पे लोन कैसे अप्लाई करना है तो वो भी मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ और एप्लीकेशन आपको कहाँ मिलेगी तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप यहाँ पे 500 रुपये से लेके पूरे 30000 रुपये का यहाँ पे लोन ले सकते हैं। तो आज मैं आपको इस एप्लीकेशन का जो लोन है तो जैसे मैंने यहाँ पे अप्लाई किया तो वैसे मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको लोन के लिए अप्लाई करना है जिससे कि आपका लोन भी यहाँ पे अप्रूवल हो जाएगा। तो इस एप्लीकेशन पर अगर आपको लोन के लिए अप्लाई करना है आपका सिबिल यहाँ पे नहीं है तो भी आपको इंस्टेंट इस एप्लीकेशन पर यहाँ पे लिमिट मिल जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप इसको कम भी कर
कर सकते हैं, ज़्यादा भी आप ये कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको जो लोन मिलेगा 15 मिनट के अंदर ही आपको लोन मिल जाएगा, और लोन अमाउंट यहाँ पे देख सकते हैं पूरे 30,000 रुपये का है। उसके बाद स्टार्टिंग आपको चाहिए यहाँ पे एक पैन कार्ड, उसके बाद आपको थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर करना, तो यहाँ पे मैं आपको बेसिक जानकारी पे दे दे रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारे को किसी भी एप्लीकेशन पे अगर लोन के लिए अप्लाई करना है तो उस एप्लीकेशन के बारे में हमारे को थोड़ी सी यहाँ पे जानकारी होनी बहुत ही यहाँ पे जरूरी है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 15 मिनट से लेकर 30 मिनट के अंदर आपकी प्रोफाइल यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी, और 2 घंटे के अंदर ये जो लोन है आपके बैंक अकाउंट में यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। उसके बाद आपको थोड़ा सा ऊपर करना, तो यहाँ पे आप टाइम भी चेक कर सकते हैं इसका। आपको जो टाइम मिलेगा 61 दिन से लेकर पूरे 95 दिन का आपको टाइम मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मैक्सिमम एनुअल परसेंटेज रेट यहाँ पे 320% यहाँ पे लगने वाली है। अगर आपके यहाँ पे 8,000 रुपये का लोन मिलता है जिसका टाइम आपको 65 दिन का मिल जाएगा, वो डिपेंड करेगा आपके सिबिल स्कोर के ऊपर कि आपका सिबिल यहाँ पे कैसा है। अगर आपको इस एप्लीकेशन के लोन मिलता है तो आपको उसकी रिपेमेंट एकदम टाइम से करनी है। अगर आप इसकी रिपेमेंट टाइम से करेंगे आपकी लिमिट भी यहाँ पे बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको सिंपल से 3 स्टेप को फॉलो करना है, उसके बाद आपको इंस्टेंट यहाँ पे अप्रूवल हो जाएगा। और एप्लीकेशन का जो लोन का डिस्ट्रीब्यूट है तो यहाँ पे 5 मिनट के अंदर जो लोन है आपके बैंक खाते में यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पे भी लिखा है हाउ टू द ब्रो, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फील डिजिटल लोन एप्लीकेशन रहने वाली है और वेट फॉर द डिसीजन। तो यहाँ पे जैसे आप पैन कार्ड आधार कार्ड को सबमिट करेंगे एप्लीकेशन आपका डिसीजन लेगी कि आपको यहाँ पे कितने के लोन मिलने हैं। उसके बाद गेट इंस्टेंट मनी ओवर द बैंक अकाउंट, तो 5 या 10 मिनट के अंदर जो मनी है आपके बैंक अकाउंट के अंदर यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है हाउ टू द रिपे लोन, तो यहाँ पे लिखा है डेबिट कार्ड से भी आप कर सकते हैं, ऑटो डेबिट आपको यहाँ पे इनेबल करना पड़ेगा, और नेट बैंकिंग से भी आप इसको यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं। तो यहाँ पे इनेबल करने से पहले आपको सबसे पहले 1 से 2 बातों का ध्यान रखना है। अगर आपको इस एप्लीकेशन पे ऑटो इनेबल करना है तो ऑटोमेटिकली आपके बैंक खाते से आपकी EMI यहाँ पे कट जाएगी, और अगर आपके बैंक खाते में पैसे नहीं होंगे तो आपको यहाँ पे काफ़ी चार्ज भी यहाँ पे लग सकता है। उसके बाद आपको थोड़ा सा यहाँ पे ओपन करना, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे भी काफ़ी इन्होंने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो यहाँ पे आप अपने पार्टनर की भी डिटेल यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो इसका जो आपका सिबिल स्कोर चेक होगा, तो एक्सपीरियंस का सिबिल स्कोर आपको यहाँ पे चेक होगा, इसको प्रोवाइड कौन कर रहा है तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे मेंशन ये कर रखा है कि नवीन ब्रदर प्राइवेट लिमिटेड, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि नवीन ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड यहाँ पे इसका पार्टनर है जो हमारे यहाँ पे लिमिट यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। तो आपको अच्छे से जानकारी होगी कि आपको थोड़ा सा यहाँ पे ओपन करना है तो आपको यहाँ पे ईमेल सपोर्ट भी मिल जाएगा। अगर आपको यहाँ पे बात करनी है ईमेल सपोर्ट से बात कर सकते हैं, साथ में आपको सपोर्ट सर्विस नंबर भी मिल जाएगा। आपको लोन अप्लाई करने से पहले इनके सर्विस सेंटर पर बात कर सकते हैं, इंटरेस्ट जान सकती है कितना इंटरेस्ट है, तो एप्लीकेशन ट्रस्टेड है या नहीं है, और उसके बाद ही आपको लोन के लिए अप्लाई करना है। अगर आपको इनसे बात करनी है तो 8:30 बजे से लेके 5:30 बजे तक आप इनसे यहाँ पे बात भी यहाँ पे कर सकती हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर आप इस एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो हो सकता है आपको स्टार्टिंग पे जो लोन है थोड़ा कम मिले, और आपको टाइम भी वहाँ पे थोड़ा कम मिल सकता है। अगर आप उसकी रिपेमेंट टाइम पे करते हैं तो उसके बाद हो सकता है कि आपको यहाँ पे टाइम ज़्यादा मिल सकता है, क्योंकि मैंने इस एप्लीकेशन पे जब लोन के लिए अप्लाई किया था तो मुझे भी फर्स्ट टाइम 1,000 रुपये के यहाँ पे लोन मिला था, और जब मैंने सेकेंड टाइम लोन के लिए अप्लाई किया तो उसके बाद मुझे यहाँ पे लोन मिल गया था। जब मुझे उसके बाद लोन मिला था तो मुझे 30,000 रुपये का लोन मिला था, तो जिसमें से मैंने पूरे 4,000 रुपये का यहाँ पे जो लोन है वो मैंने आपके सामने यहाँ पे अप्लाई भी किया, और कितने मेरे बैंक खाते में आए हैं और कितनी मुझे यहाँ पे रिपेमेंट करनी है। तो यहाँ पे अब आपको समझ आ गया होगा। इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, तो वहां से जाके आप इसको यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो एप्लीकेशन है आपको गूगल पे मिल जाएगी। आपको गूगल पे सर्च करना क्या है, आपको थोड़ा सा वेट करना, तो यहाँ पे आपको सर्च करना लैंड प्लस। तो जैसे आप सर्च करेंगे आपको ये वाले पेज पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप इसको यहाँ पे डाउनलोड करके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको इसकी जानकारी पूरी लेनी है तो आप इसकी वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहाँ पे आप इसको जानकारी मिल जाएगी। अगर आपको लगता है कि एप्लीकेशन एक ट्रस्टेड एप्लीकेशन है तो उसके बाद ही आपको लोन यहाँ से अप्लाई करना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।